भाजपा की क्षेत्रीय समिति की बैठक आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने पार्टी द्वारा 16 अगस्त से 25 सितंबर तक आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 16 से 20 अगस्त तक विधानसभा वार बैठक होनी है। यह बैठक विधानसभा क्षेत्र के केंद्र पर होनी है। इसी तरह 23 अगस्त को शाम 4 बजे से बूथ विजय अभियान का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उन्होंने कहा, इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। इसी तरह 23 अगस्त से 7 सितंबर तक बूथ समितियों के सत्यापन का कार्य करना है। भाजपा का कोई पदाधिकारी मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर का या जनप्रतिनिधि का वोटर लिस्ट में जिस पन्ने पर उसका नाम होगा वह वहां का पन्ना प्रमुख होगा। उन्होंने संगठन की ओर से बनाई गई पन्ना प्रमुख की व्यवस्था को हर हाल में पालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मंडलवार पन्ना प्रमुखों की बैठक होगी तथा पन्ना प्रमुखों की बैठक के बाद भाजपा के नए सदस्य बनाना है और पुराने सदस्यों से संपर्क का अभियान भी चलाना है। उन्होंने विधानसभा चुनाव की दृष्टि से युवाओं, महिलाएं, किसानों, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन जिला मुख्यालय पर कराने के पदाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पाए लाभार्थियों के बीच जनसंपर्क का वृहद कार्यक्रम चलाया जाए। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, क्षेत्रीय प्रभारी व प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सतेंद्र सिन्हा, विश्वजीतांशु सिंह आसू, पीएन पाठक, महामंत्री सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी व प्रदेश महामंत्री अनुप गुप्ता ने कहा, आगामी अभियानों की चर्चा की गई है और पिछले अभियानों की समीक्षा की गई है। हर जनपद के जिलाध्यक्ष से चर्चा करके उनके जिले में अभियान किस रूप में आगे चलाने हैं उन अभियानों की पूरी डिटेल प्लानिंग करके और उस पर डिटेल प्लानिंग बनाई गई है।
यही आज की चर्चा हुई के हैं। और श्रेणीबद्ध बैठकों में हम अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग लेवल की बातों को तय करते हैं, रचना तय करते हैं। हम अपनी संगठन का स्ट्रक्चर तय कर रहे हैं। 25 तारीख तक हम अपने बूथ समिति के सत्यापन की पूरी योजना पर काम कर रहे हैं। बूथ समिति के सत्यापन के साथ साथ पार्टी पन्ना प्रमुख की रचना भी बनाने जा रही है। पन्ना प्रमुख की रचना के लिए सारे कार्यकर्ताओं को प्लानिंग में लगाया गया है। नाराजगी ऐसा कोई विषय न तो बैठक में आया है और ऐसा कहीं विषय मुझे नहीं लगता है। मैं तो क्षेत्रीय प्रभारी हूँ इस क्षेत्र का, प्रदेश महामंत्री के नाते बहुत सारे कार्यकर्ताओं से लगातार वार्ता और चर्चा करता रहता हूँ। ऐसा कोई विषय कहीं आया नहीं। आज की बैठक में केवल एक चीज़ निकल के आई है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 350 सीटें जीते हैं।